मेरे प्रकाश बाबू के द्वारा षड्यंत्र झूठ साँच रचा जा रहा है। कई बार वो मेरे खिलाफ कंप्लेन किए हैं। साहेबगंज का मैं पहला व्यक्ति हूँ कि एनजीटी से केस जीत के आया हूँ उनके खिलाफ, और वो झूठ साँच ऐसे वगैरह लिखते रहते हैं। अनलीगल है, उसको बंद कीजिए। लीगल को तो कम से कम चलने दीजिए। और सारा चीज़ जो हम चला रहे हैं वो तो जिला प्रशासन के नज़रों में चला रहे हैं। हम छुप के कहाँ चला रहे हैं, जिला प्रशासन के नज़र में सब चला रहे हैं। वो तो पारदर्शी है, सब देखने की चीज़ है। झारखंड के साहेबगंज जिले में टास्क फोर्स टीम ने बुधवार को तालझाड़ी अंचल के गदवा मौजा में संजय प्रसाद के दो क्रशर प्लांट और माइंस को सील कर दिया। साथ ही प्लांट पर अवैध रूप से पड़े लगभग 5000 CFT बोल्डर को भी जब्त कर लिया गया। बता दें कि साहेबगंज जिले में पत्थर व्यवसाय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जहां एक और ईडी की टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, वहीं अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान व क्रशर प्लांट के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को उपायुक्त के दिशा निर्देश पर राजमहल SDO रोशन शाह की अगुवाई में टास्क फोर्स टीम ने तालझाड़ी अंचल क्षेत्र के गदवा मौजा में स्थित संजय प्रसाद के क्रशर प्लांट और खदान पर छापेमारी की। वहीं मामले में SDO ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर गदवा मौजा में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे पत्थर खदान व क्रशर प्लांट की जांच की गई। जांच के क्रम में संजय प्रसाद के क्रशर की भी जांच हुई। SDO रोशन शाह ने बताया कि गदवा मौजा के प्लॉट नंबर 60, 61 और 62 पर 5.76 एकड़ पहाड़ी भूमि को खनन कार्य के लिए संजय प्रसाद के नाम से लीज किया गया था, लेकिन जांच के क्रम में पता चला कि दिए गए लीज क्षेत्र से 0.22 एकड़ पहाड़ पर अतिरिक्त खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं उसी मौजा के प्लॉट नंबर 10 पर स्थित दो क्रशर प्लांट जो 100 THP और 250 THP के दो क्रशर मशीन स्थापित हैं। जांच के क्रम में मौजूद कर्मियों ने क्रशर प्लांट का CTO भी दिखाया, परंतु CTO से उत्पादन क्षमता से अधिक होने के कारण क्रशर प्लांट को सील कर दिया गया। वहीं प्लांट पर अवैध रूप से पड़े लगभग 5000 CFT बोल्डर को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया। खनन टास्क फोर्स के टीम के द्वारा, जिसमें कि आज मेरी अध्यक्षता में CEO थाना प्रभारी के प्रतिनिधि श्री संजय कुमार यादव जी के वाइस करीब किया, यहाँ पर वो वेडिंग प्लान के हिसाब से कुछ करना नहीं पाया। और साथ ही साथ क्वाइट एकड़ लगभग ये लगा कि वो नापी में वो कुछ ज़्यादा अपना माइनिंग निकाल रहे हैं, इसलिए उस माइंस में जो उपलब्ध उस समय लगभग 5000 CFT बोल्डर थे उसको जब्त कर लिया गया है। और ये इनका क्रशिंग यूनिट है, यहाँ पर दो यूनिट है इनका। दो यूनिट में जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 100 TPH का एक मशीन है, एक 250 TPH का मशीन है, जबकि इनके द्वारा जो CTO के द्वारा जो निर्गत किया गया है उसमें इनसे कम मात्रा की मशीन को लगाए जाने का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी बातों का रिपोर्ट हम उपायुक्त महोदय को करने आ रहे हैं। फिलहाल इनकी क्रशर भी सील कर दी गई है। वहीं जांच के दौरान क्रशर और खदान के संचालक संजय प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे द्वारा जो भी पत्थर खनन कार्य किया जा रहा है वो नियम पूर्वक किया जा रहा है। प्रशासन किसी के झूठे आरोप का हवाला देते हुए क्रशर और खदान को सील कर दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि कम से कम जो वैध क्रशर है उसे संचालित कराया जाए। मेरा स्टाफ द्वारा पता लगा मुझे, तो हम गए, लेकिन जाते जाते सर लोग वहाँ से निकल गए थे और निकल के मेरे प्लांट पर आ गए थे। तो फिर हमने प्लांट पर आया और सर लोग से पूछा क्या कार्रवाई हो रहे हैं, तो वो लोग बोले कि कुछ शिकायत आपके ऊपर मिला है कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं या माइंस में ही प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। मैं सर वैसा नहीं है सर, हमको क्षमता भर हम अपना कर रहे हैं सर, जितना मेरा क्षमता है CTO का और उतना ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जी। और रहा सवाल कि प्लांट, तो प्लांट में भी सर उतने हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना मेरे पास है CTO, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। मेरे प्रकाश बाबू के द्वारा षड्यंत्र झूठ साँच रचा जा रहा है। कई बार वो मेरे खिलाफ कंप्लेन किए हैं, NGT में भी वो कंप्लेन किए थे। हमने NGT में भी उनको
उनको उनका खिलाफ एनजीटी में भी केस लड़के हमने जीत के आया है। साहेबगंज का मैं पहला व्यक्ति हूँ कि एनजीटी से केस जीत के आया हूँ उनका खिलाफ, और वो झूठ सच ऐसे वगैरह लिखते रहते हैं। तो अगर सर लोग का आदेश है तो जो पेपर मांगे हैं सर लोग, हमने उनको सशरीक जाकर जब बोलेंगे तब उपस्थित रहेंगे उनका ऑफिस में, जब सर जहाँ बोलेंगे हमने पेपर लेकर उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन से क्या मांगे? जिला प्रशासन से ही मांगे मेरा उचित कार्रवाई हो, जो लीगल है उसको बंद कीजिए, सॉरी जो अनलीगल है उसको बंद कीजिए, लीगल को तो कम से कम चलने दीजिए। और सारा चीज़ जो हम चला रहे हैं वो तो जिला प्रशासन के नज़रों में चला रहे हैं, हम छुप के कहाँ चला रहे हैं, जिला प्रशासन के नज़र में सब चला रहे हैं, तो पारदर्शी सब देखने की चीज़ है। मेरे कर्मचारी द्वारा जितना पेपर मांगा गया सारा मेरे कर्मचारी द्वारा दिखाया गया, और फिर बोले कि न्यायालय में उपस्थित कीजिए कागज, तो फिर अपना शरीर जाकर उपस्थित करेंगे सर का अगर आदेश है तो। Yeah.